हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक मनी एंड बैंकिंग जो बुक है उसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका टॉपिक है पेपर मनी यानी पत्र मुद्रा। तो आइए आज हम पूरी बात करेंगे पत्र मुद्रा के ऊपर। पत्र मुद्रा क्या है यानी व्हाट इज पेपर मनी, और क्वेश्चन जो बराबर आता है वो है इसके मेरिट और डिमेरिट को लिखना, यानी इसके गुण और दोष को लिखना। तो आइए हम पहले जानते हैं कि पत्र मुद्रा यानी पेपर मनी क्या है। आइए पत्र मुद्रा के बारे में डिफिनेशन में कहता है कि पत्र मुद्रा विशेष किस्म के कागज पर लिखा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसके द्वारा निर्गमन अधिकारी केंद्रीय बैंक अथवा सरकार लिखित राशि देने का वचन देता है। देखिए ये तो किताबी भाषा है, आप मेरे एक्सपीरियंस में जो नोट देखते हैं, कागज का नोट जो होता है वो पत्र मुद्रा है। पत्र मुद्रा तो कागज का नोट, कागज का नोट में देखिए लिखा हुआ मिलेगा कि मैं धारक को इतने रुपए, 100 का नोट है 100 रुपया देने का वचन देता हूँ। RBI यानी गवर्नर का साइन होता है। अगर ये वचन ना रहे तो आपको क्या देखिएगा, वो गलत हो जाएगा, मतलब वो पैसा वैल्यूबल नहीं रहेगा। तो मेरा एक और चीज मानना है कि जिस तरह से मनुष्य के जीवन में चक्के की खोज ने मनुष्य की सभ्यता, मनुष्य के जीवन को जितना हजारों साल आगे ले गया, ठीक उसी प्रकार से पैसा में जो पेपर मनी था या पैसे की खोज ने मनुष्य के व्यवसाय को यानी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे इकाएक धकेल दिया। तो यह मनी एंड बैंकिंग प्राय बीकॉम पार्ट 2 का क्वेश्चन है, और इसमें जो पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, आइए पहले हम उसको बता देते हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपको, कागजी मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं और कागजी मुद्रा के गुण दोषों का वर्णन करें। यानी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से पूछेगा वह यह पूछेगा पत्र मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं या पत्र मुद्रा क्या है, इसके गुण और दोष को लिखें। तो पत्र मुद्रा क्या है यह डिफिनेशन बहुत कम है। तो प्रीवियस चैप्टर में बोले मुद्रा क्या है, तो आप लिखिएगा कागजी मुद्रा को समझने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी। तो व्हाट इज मनी का डिफिनेशन पहले लिखिएगा, और फिर आप कागजी मुद्रा के बारे में बोले थे उसको लिखिएगा, है ना। युवा कागजी मुद्रा से अभिप्राय ऐसे मुद्रा से है जो कागज पर छपा होता है या किसी भी देश की विश्वसनीयता को प्रकट करता है, और वह अपने धारक को रुपया या धन देने का वचन देता है। आइए पत्र मुद्रा के गुण और दोष बताते हैं। प्रकार अगर आपको समझना हो तो बोलिएगा, क्वेश्चन में उठा कर देखिएगा, बराबर इसका गुण और दोष ही पूछता है। स्टूडेंट सबका कहना है कि सर एग्जामिनेशन करीब है, केवल क्वेश्चन बताइए। आइए बताते हैं पत्र मुद्रा। एडम स्मिथ का नाम सुने, बहुत अच्छे राइटर थे एडम स्मिथ। इन्होंने लिखा है कि स्वर्ण एवं रजत मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा के प्रयोग ने वाणिज्यिक क्षेत्र को एक सस्ती और सुविधाजनक वस्तु प्रदान कर दी है। देखिए गोल्ड क्वाइंस से होता है या सिल्वर क्वाइंस, वो तो महंगी क्वाइंस है, सबके पास होगा ही नहीं। तो जो ये कागजी मुद्रा पेपर मनी है हम उसको फ्रैक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे एक गोल्ड मनी का अभी वैल्यू है आज 52,000 समथिंग, 300 कुछ है, 52,300 के आसपास है। अब बताइए कोई 50,000 का 100 नोट दे तो उसको 1 किलो सब्जी लीजिएगा तो क्या होगा, नहीं ना बजेगा। तो 50,000 में 5-5 सौ का नोट है तो कोई भजा भी देगा, तो वही गोल्ड क्वाइन इसीलिए अनसक्सेस हो गया, क्योंकि उसको प्रचलन में लोगों के यूज करने में दिक्कत था। आइए हम बात करते हैं कि पेपर मनी का क्या गुण है, व्हाट इज द मेरिट ऑफ पेपर मनी। पहला जो गुण है उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक यानी मितवैयतापूर्ण। पेपर मनी के बारे में देखिएगा कि देखिए जैसे कि क्वाइंस मनी है, इसको मेटल मनी कहते हैं, उस पर ढलाई का खर्च होता है, उसको घसाई का खर्च होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। पेपर मनी क्या होता है, इकोनॉमी है, इसमें छापने का खर्च कम से कम है, यानी इसे ढालने के लिए धातु की जरूरत नहीं होती है। तो कहता है क्वेश्चन में कि पत्र मुद्रा का प्रयोग अनेक दृष्टियों में मितवैयतापूर्ण है, इसमें धातु का प्रयोग, ढालने का खर्च आदि नहीं किया जाता है, अतः यह दूसरे मनी की अपेक्षा खर्च को कम कर देता है। पहला समझ गए। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट है, कहता है भुगतान में सरलता एवं वहनीयता यानी कन्वेंस ऑफ द मेकिंग पेमेंट एंड प्रोपर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है वहनीयता, मतलब इसको देखिए पेपर मनी का वेट कम होता है जिसके कारण उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी होता है, और उसको भारी नहीं होता है जिसके कारण वो आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। लोग 2,000 का नोट देखते हैं एकदम छोटा जगह पर भी रख देगा, 5-10 साल लेके जा सकता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो जाता है,
आसानी हो जाता है और बड़ी से बड़ी नोट भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा गुण है जो धातु मुद्रा को यानी मेटल मनी को पीछे करता है। नंबर तीन कहता है इलास्टिसिटी यानी लोचदार, ये इलास्टिक होता है। कहता है कागजी मान के अंतर्गत देश की आवश्यकता के अनुसार कागजी मुद्रा को सरलता से बढ़ाया जा सकता है, यानी जितना देश का नीड्स होगा उतना से ज़्यादा कागजी मुद्रा जो है पेपर मनी है वो छापा जा सकता है और यह देश के विकास में या विकसित देशों के लिए मुद्रा बहुत आवश्यक है। हम लोग यह जानते हैं कि आरबीआई के वर्ग में पढ़े हैं कि यूं ही लोग कंट्री कोई भी कंट्री मनी को नहीं छाप सकते, उसको जितना मनी छापने का मन होगा या देश को ज़रूरत होगा उसके अनुसार से वो आरबीआई को गोल्ड देगा या कोई विदेशी प्रतिभूतियाँ देगा और उसके अनुसार वो छापेगा, पैसा देगा छापने के लिए। नंबर चार कहता है स्टॉक में सहायक, इस मुद्रा का लाभ यह है कि संकट अथवा विकास की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। विश्व में कई देशों में संकट के समय इसका आश्रय लिया जा सकता है। संकट जब मतलब देश में जब इकोनॉमिक स्थिति खराब होता है तो लोग क्या करता है इस मनी को यानी पेपर मनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, जो छापने में समय कम लगता है तो उसे छाप कर उसको आगे कर लेता है यानी जल्दी से जल्दी पेपर को यूज़ कर सकता है। आगे है बैंक व्यवस्था की उन्नति, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। देखिए जो भी फिनेंशियल सिस्टम ज़्यादा डेवलप किया था इसका मेन कारण पेपर मनी भी है। आधुनिक युग में बैंकों के विकास में पत्र मुद्रा ने अत्यधिक सहयोग दिया है। वास्तव में पत्र मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम बैंक में ही किया था क्योंकि नोट के द्वारा लेन देन अत्यधिक सरल था। देखिए नोट के द्वारा ट्रांजेक्शन करना काफ़ी आसान होता है पेपर मनी के द्वारा, क्वाइंस मनी में लेन देन करना काफ़ी मुश्किल है। एक लाख रुपया बैंक में डाला हो तो बताइए आठ गो स्टाफ मिलकर गिनेगा उसको, नहीं इसीलिए ये जरूरी है। पत्र मुद्रा का एक और मेरिट है कि ये आम कागज नहीं होता, ये ज़्यादा दिन तक रहता है और जल्दी नष्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये पत्र मुद्रा यानी मेटल मनी का मेरिट पार्ट था। आइए हम पत्र मुद्रा के दोष यानी इसके डिमेरिट पार्ट पर बात करते हैं। पत्र मुद्रा का डिमेरिट होता है कि यह इसके प्रसार में भय रहता है यानी डेंजर ऑफ द इन्फ्लुएंस। पत्र मुद्रा व्यवस्था में सरकार को सदैव यह लालच बना रहता है कि वह मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर अपनी व्यय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, यानी महंगाई तथा असंतोष का वातावरण उत्पन्न होने का भय रहता है। ये कहना है कि अगर पत्र मुद्रा ज़्यादा होगा तो महंगाई ज़्यादा होगी, महंगाई ज़्यादा होगा तो लोगों प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ेगा तो अभी लोगों पास बचत गिर जाएगा, ठीक है। एक दूसरा इसका दोष बताते हैं आपको जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। पत्र मुद्रा का दोष है कि ये स्टोरेज करता है यानी लोग जो है स्टोर कर लेता है पैसा को। पत्र मुद्रा भारी नहीं होने के कारण लोग इसको स्टोर कर लेता है, अपने पास जमा कर लेता है जो आम जनता के पैकेट से बाहर हो जाता है, आम जनता को यह पैसा समय पर नहीं मिल पाता है। ग्रेसम का नियम जब नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे उसमें देखेंगे कि अच्छी मुद्रा जो होती है बुरी मुद्रा कैसे मार्केट से बाहर कर देता है। तो यह क्या होता है मनी को लोग स्टोर कर लेता है। भारत में देखिएगा कालाबाजारी जो लोग पैसे रखते हैं करोड़ों रुपया घर में रख लेते हैं, अगर करोड़ों का क्वाइंस रखना हो तो वो नहीं रख सकते। यानी पत्र मुद्रा का ये भी बैड पार्ट हो गया कि वो जो पेपर मनी है उसको छुपा लेता है और जमा कर लेता है। नंबर तीन में है आंतरिक मूल्य का अभाव, लैक ऑफ इंटरनल वैल्यू। कागजी मुद्रा का आंतरिक मूल्य कुछ नहीं होता है। आंतरिक मूल्य का मतलब होता है बशीर बाबू इंट्रांजिट वैल्यू, या यह कह लीजिए ना इंटरनल वैल्यू। इंटरनल वैल्यू यानी कागजी मुद्रा का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि 10 का सिक्का तुम्हारे पास 1000 है, अगर सरकार ने 10 का सिक्का चलाने से बंद कर दिया तो तुम उस सिक्के को किलो पर बेच भी सकते हो, भजा भी सकते हो। मगर अगर जैसे 500 और 1000 का नोट बंद हो गया, आपके पास 5 किलो सिक्का है तो ये है 500 का एक नोट है तो बताइए कितना रुपया मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं ना होगा। तो यही कहा कि इंटरनल वैल्यू क्या है, इसमें आंतरिक मूल्य का अभाव है यानी इसको तौल के नाप के हम नहीं बेच सकते, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित क्षेत्र का चलन, लिमिटेड करेंसी।
कहता है एक देश की पत्र मुद्रा द्वारा दूसरे देश को भुगतान नहीं किया जा सकता है, जबकि धातु मुद्रा इस दिशा में उपयोगी सिद्ध होती है। वर्तमान में चलने वाली सांकेतिक धातु मुद्रा भी इस दिशा में व्यर्थ होती है। मतलब पत्र मुद्रा या धातु मुद्रा दोनों मुद्रा के दोष हैं। किताब के अनुसार मतलब ये जो भी एक कंट्री का पैसा दूसरे कंट्री में पेमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अभी बैंकिंग से प्रणाली है, डॉलर वगैरह में कन्वर्ट करके हम लोग दूसरे जगह उसको चला सकते हैं या दे सकते हैं। तीसरा होता है नाशवान। नेक्स्ट पॉइंट है नाशवान। नाशवान का मतलब होता है कि वैसा चीज़ जो डैमेज होने पर ख़त्म हो जाए। तो जो अगर हमारे पास मनी है, मनी मतलब पेपर मनी है, तो पेपर मनी जो होता है पत्र मुद्रा शीघ्र नष्ट होने का भय बना रहता है, क्योंकि यह वर्ष में कभी भी पानी में वगैरह कहीं पर भींग जाएगा तो भींग जाने पर क्या होगा, पेपर मनी गल जाता है। नहीं तो पेपर मनी यदि तुम्हारा गल जाएगा तो रिकवर कहाँ से करोगे? नहीं होगा रिकवर। तो पेपर मनी का बहुत बड़ा डिमेरिट है कि गल जाने के बाद हम उसको वापस नहीं कर पाते हैं। वो न केवल आपके लिए क्षति है बल्कि देश के लिए भी क्षति है। हम लोगों को चाहिए कि अपने देश के जो भी पेपर मनी या कॉइन्स मनी कुछ भी है उसको नष्ट न करें। कभी कभी कुछ लोग पेपर मनी को फाड़ देते हैं, जला देते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे न केवल आपका क्षति है बल्कि राष्ट्र के लिए क्षति है। आइए एक बात हम लोग समझ गए, पेपर मनी का मेरिट और डिमेरिट यही है। अब इसके बाद हम और देखते हैं एक नेपोलियन का नाम सुने। नेपोलियन बहुत ही सन 1797 में 1797 में जब संकट आया था तो नेपोलियन द्वारा किए गए युद्धों के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रसार मुद्रा प्रसार को देखकर उसका यह विश्वास दृढ़ हुआ था। देखिए जब कभी विपरीत परिस्थिति आता है ना बाबू, विपरीत परिस्थिति मतलब बुरा वक्त आता है, तो उस वक्त तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? पैसा। अगर तुम्हारे पास मनी बढ़िया से है तो वो तुम्हारा, समझे ना, कि जो बंदा कर सकता है कोई आदमी वो सारा काम पैसे पे आप करवा सकते हैं। तो नेपोलियन ने उस चीज़ को यूज़ किया था, है ना, और कहा था कि मानवीय विकास की गति को बनाए रखने के लिए धातु मुद्रा को भी समाप्त कर पत्र मुद्रा को स्थान देना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य के मूल्य को, मनुष्य की जिंदगी को आसान करना है तो धातु मुद्रा यानी जो मेटल मनी है उसकी संख्या कम कर दीजिए और जो पेपर मनी है उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको बताया कभी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, पेपर मनी यानी पत्र मुद्रा का प्रकार, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। 3 मिनट में हम 2 मिनट में बता देंगे और इसको अभी आप ख़त्म कर लीजिएगा। कहता क्वेश्चन में पहला, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा यानी रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी का मतलब होता है जब पत्र मुद्रा स्वर्ण और चांदी की धातुओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। देखिए स्वर्ण और चांदी माने गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस, कोई भी मनी हो ना, याद रखिए कोई भी मनी हो तो गोल्ड मनी को या गोल्ड को बाई कर सकता है। तो उसके जगह पे काम करने का मतलब है कि जैसे एक गोल्ड क्वाइंस का जितना वैल्यू होगा उतना वर्क जो कर सकता है पेपर मनी उसको डन करता है, पूरा कर देता है। तो वो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे प्राथमिकता जो है क्वाइंस मनी यानी मेटल मनी को नहीं दिया गया क्योंकि यह ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो कभी आप 2 भर सोना लीजिए, मात्र 1.25 लाख का सोना लगाओ या 1 लाख का होगा, किसी को 1,05,000 रुपये खाली एक का सिक्का दीजिए, क्या हम गिन के ना आप ले लीजिए या गिन लीजिए, वो आपसे ले ले तो बताइए, वो निश्चित नहीं लेगा आपसे। दूसरा जो इसका काइट होता है वह होता है परिवर्तनशील यानी कन्वर्टेबिलिटी। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के बदले में सोना या चांदी की गारंटी देता है। छापने के वक्त जब पत्र मुद्रा सरकार को छापना होता है तो RBI को यानी भारत का जो बैंकों का बैंक है उसको गारंटी देता है, किसका? सोना और चांदी का। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा यानी इसके बाद होता है अपरिवर्तनशील है, कन्वर्सेबल है और यही सब है। चलिए डेंजर लिमिट वगैरह इसका है, एक्सपेंसिव है तो थोड़ा सा देख लेंगे। अब कोई पूछे एक्सपेंसिव, यह जो है कम खर्च है, मितवई है, एक्सपेंसिव। देखिए दोष में आप लिख सकते हैं कि पत्र मुद्रा एक्सपेंसिव जो पेपर मनी इसलिए हमारा है क्योंकि वह डैमेज होने पर उसको रिकवरेबल नहीं कर सकते हैं, पर ऐसी बातें नहीं है।
पत्र मुद्रा आदमी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही आसान है जैसे किसी काम को तत्काल कर देना। इसलिए पत्र मुद्रा को पूरा न कहें और आप कहेंगे गुंदोस्वर नेचर में लिखेगा कि यह मनुष्य के लिए आवश्यक है और पत्र मुद्रा में गुण ज़्यादा और दोष कम है, अतः इसको समाज में जारी रखना चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर भी करें ताकि सबको मिले। आपको कुछ नए वीडियो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का चाहिए तो हमको जरूर से जरूर यूट्यूब में आप क्वेश्चन करें, भेजिए अपना मैसेज, हम उसका आंसर बना के आपको डालेंगे, बताएंगे क्वेश्चन चाहिए तो। थैंक यू।